भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम ने शुक्रवार को मुरादाबाद महानगर के सिविल लाइन स्थित कंपनी बाग में नगर निगम के सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। जफर इस्लाम ने बताया कि नगर निगम मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद के नाम से सेल्फी पॉइंट शुरू किया जा रहा है, जिसे भारत की प्रख्यात कलाकार रूबल लागी ने तैयार किया है। समय डिसाइड किया था उसे आज हम करेंगे। सेल्फी पॉइंट की जब हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं हैशटैग एक मूवमेंट है। बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि मैम हमने आई लव मुंबई देखा है जो हमने बनाया है, आई लव कश्मीर, आई लव दिस, आई लव दैट, अलग अलग स्टेट्स का नाम है जो आई लव है, लेकिन आप हैशटैग बनाने में क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं? तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि ये जो हैशटैग मुरादाबाद, हैशटैग कश्मीर, हैशटैग मुंबई, हैशटैग इंडिया, ये जो हमने हैशटैग्स बनाए हैं, ये केवल एक आर्ट पीस नहीं है। जब आप एक सेल्फी पॉइंट पे जाते हैं और आपके पीछे जो आर्टवर्क लगा हुआ है उसका सेल्फी लेते हैं, और उसमें अगर आपको अपने शहर के नाम को पढ़ने को मिले, और वही आप जब सोशल मीडिया पे डालते हैं और हजारों करोड़ों लोग तक वो पहुंचता है, तो आपका शहर का नाम कहीं ना कहीं देश भर में नहीं, विश्व भर में लोग उसे देख सकते हैं। तो ये मूवमेंट हमने मुंबई से शुरू किया था और आज देश के बहुत सारे स्टेट्स में, शहरों में, गाँव में हमने हैशटैग इंस्टॉलेशंस को इंस्टॉल किया है। हमारा मेन फोकस रहता है हर काम, जिस भी हम शहर से जुड़े, हम आर्ट के माध्यम से जुड़े। हमारी फाउंडेशन है रूबल लागी आर्ट फाउंडेशन, जो आज देश भर में काम कर रही है। ओवर 2 मिलियन किड्स को हम स्कूल लेके जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई पे फोकस करते हैं। 8.5 लाख महिलाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं, देश भर में काम करती हैं। इस मौके पर मुरादाबाद के महापौर विनोद अग्रवाल, नगर विधानसभा से विधायक रितेश गुप्ता, नगर आयुक्त संजय चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाका, मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव अवधेश अग्रवाल, EPACH के वाइस प्रेसिडेंट नीरज खन्ना, अभिषेक सिंह, निशु सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोग मौजूद रहे। देखिए, आज इसका शिलान्यास हुआ है। सेल्फी पॉइंट जो है वो 6 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में इसका इंस्टॉलेशन होगा। रूबल जी ने जो हमें बताया है कि इसमें जो समय लगता है बनाने में, चूँकि 2 दिन पहले ही इसका फैसला हुआ है, तो समय लगता है 27-28 दिन लग जाते हैं। हमारे यहाँ से, ज़िला से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो इसी ज़िले से आते हैं, तो उनको हमारी इच्छा है, हमारी ख्वाहिश है कि उनको चीफ गेस्ट बना के जिस दिन भी उनका समय मिलेगा, 6 से 10 फरवरी के बीच में, उस दिन यहाँ इसका इंस्टॉलेशन होगा। जिस दिन इंस्टॉलेशन होगा उसके बाद आप देखिएगा कि ये सेल्फी पॉइंट पूरे देश में, मुरादाबाद वैसे ही पीतल नगरी के लिए मशहूर है, यहाँ के खाने और जायके के लिए मशहूर है, लेकिन इस सेल्फी पॉइंट के लिए भी मशहूर होगा। यहाँ की जनता जब भी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर सेल्फी अपनी लेगी, तो खुद को भी वो फेमस करेगी और अपने शहर को भी फेमस करेगी। सब इस शहर से प्यार करते हैं, जो भी 2 बातें प्यार में लिखेंगे वो उनके प्यार का प्रतीक इस शहर के लिए होगा, और ये दुनिया तक उनका मैसेज पहुंचेगा और इस शहर को उसका फ़ायदा होगा। जब भी विकास का काम होता है तो ऐसी चीज़ें जो है बड़ी लाभदायक होती है, इसलिए कि ये अगर एक बार लग जाता है तो लोगों के बारे लोग इसके बाद जो है विकास के बारे में अक्सर बात करते रहते हैं, और इसके विकास की गाड़ी जो है यहीं से शुरू होती है। इसलिए हमने सोचा इस सेल्फी पॉइंट, चूँकि रूबल जी ने बहुत सारी जगह लगाया है, हमारे BJP रूल्ड स्टेट में कई जगह लगाया है और उसका काफ़ी अच्छा असर रहा है, तो हमने सोचा, रूबल जी से आग्रह किया कि एक यहाँ पर उनकी तरफ से भी इस शहर के लिए कहीं ना कहीं उनका भी तोहफा जो है शहर को मिल जाए। इन्होंने इस तोहफा को देने का जो है निश्चय किया है, और मुझे लगता है कि अगले 20-25 दिनों में हम इस उसमें क्या गलत कह रहे हैं, सही तो कह रहे हैं। कोई देखिए, अब ये पार्टी और पद से हट के बात कीजिए, ये आस्था का सवाल है। जब आस्था का सवाल है उसमें कोई पार्टी नहीं आती, कोई समुदाय नहीं आता, कोई अपना नहीं आता, कोई पराया नहीं होता, आस्था आस्था ही होता। और आस्था जहाँ तक रखते, मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले तो जाने ही चाहिए, और साथ साथ आप देखिए इकबाल अंसारी जैसे लोग, वो भी तो जा रहे हैं, वो वहीं के निवासी हैं, और भी कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे धर्म के पालन करते हैं उसके बावजूद भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए गर्व का मौका है, और ये ऐसे मौके में लोगों को गर्वान्वित जब होते हैं तो उसमें कोई ऐसी चीज़ें करके कहीं ना कहीं उनके दिल को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया है। आचार्य जी हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, और उन्होंने जो कहा उसको मैं सराहता हूँ। देखिए, इसमें नहीं, पवन खेरा जी अक्सर अपने
बदजुबानी से, गलत बयानी से और इस तरह की कठोर बात कह के लोगों का दिल तो तोड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विवाद में भी फंस जाते हैं। कई केस उनके उन पर अभी चल रहा है और उनको बार बार कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ती। मुझे लगता है कि उन्हें ये समझना चाहिए कि आस्था की बात है और उसमें कोई मीडिएटर नहीं। अगर उनको इन्विटेशन आया है तो देश के कई और सम्मानित लोगों को भी इन्विटेशन गया है, सभी लोग जा रहे हैं, उत्साह है, कहीं ना कहीं एक पर्व की तरह उनको बहुत बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों का भी आस्था है उनको अगर ऐसा इन्विटेशन आता है तो उन्हें खुशी और उल्लास के साथ जाना चाहिए, ना कि उसको रिजेक्ट करना चाहिए और नकार देना चाहिए इन्विटेशन को। और अगर पवन खेरा जी ऐसा कहते हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि इन्विटेशन था, सभी के लिए था और उनके पार्टी के जो सीनियर लीडर, वो लोगों ने जो इसको नकारा है, देश की जनता के कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुँचाया है। सर, प्रभु कृष्ण कह रहे हैं 22 तारीख को राम राज्य की स्थापना की डेट है। देखिए, प्रमोद कृष्णन ये नहीं है, प्रमोद कृष्णन मेरे लिए कोई माने नहीं रखते। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो एक आम नागरिक है जैसे मैं एक आम नागरिक हूँ। जब बात हो रही है राम राज्य की तो राम राज्य सबके लिए है और यहाँ पर राम राज्य ही चल रहा है, लेकिन जब वो ऐसी बड़ी जो इवेंट हो रही है, जो वहाँ पर ये जो बहुत ऐतिहासिक मोमेंट है, ऐतिहासिक पल पे जब रामलला का वहाँ पर वो लग रहा है, तो ऐसे में जो भी जिनकी आस्था है उनको भी और जो हर देशवासियों को वहाँ जाना चाहिए और जिनको जिनको भी निमंत्रण मिल रहा है सब खुशी के साथ जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नकारा, उस वो लोग कांग्रेस से ही उनके सीनियर लीडर्स हैं या उनके कुछ ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिनको उनके जो परिवार के लोग हैं, जिनको फर्स्ट फैमिली जिसको कहते हैं, सोनिया गांधी जी, गांधी परिवार, जो इससे दूर रहना चाहते हैं। मुझे लगता है इस एक उनके विचार से पार्टी को भी नुकसान होगा और कहीं ना कहीं देश के और दुनिया के लोग जो एक उत्साह मना रहे हैं वो भी अपने आप को कांग्रेस पार्टी से दूर कर। कर्नाटक में सामूहिक बलात्कार।